$40,000 रखने के लिए दे देता है। मेरियन पैसों को लेकर भागने की तैयारी में है। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि मेरियन कहाँ जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है वो कहाँ जा रही होगी, कमेंट करके बताइए। तभी अचानक बारिश चालू हो जाती है। मेरियन का विजन धुंधला हो जाता है। तभी मेरियन की नजर बेथ्से मोटल पर जाती है। वो अपनी कार से बेथ्से मोटल में आती है। मेरियन कार से निकलकर ऑफिस में आती है, पर ऑफिस में कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर एक घर पर जाती है। उसे विंडो में किसी की परछाई दिखती है। मेरियन जल्दी से कार में आकर हॉर्न बजाने लगती है। घर से बाहर एक व्यक्ति आता है। वो मेरियन के पास आता है। वो अपना नाम नॉर्मन बेथ्स बताता है। ये दोनों ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पर मेरियन एक रूम बुक करती है। वो रजिस्टर में अपना नाम मेरियन सैमुअल से लिखती है। जब नॉर्मन उससे पूछता है आप कहाँ से आए हो, तो मेरियन जवाब देती है लॉस एंजिल्स से। ये सुनकर नॉर्मन उसे केबिन 1 की चाबी देता है। नॉर्मन उसकी कार से सूटकेस लेता है और फिर ये दोनों केबिन 1 में आते हैं। नॉर्मन दिखने में काफी सीधा साधा और हम्बल सा व्यक्ति लग रहा है। वो यहाँ पर मेरियन से कहता है अगर आपको भूख लगी है तो मैं अपने घर से आपको खाना लाकर दे सकता हूँ। क्योंकि एक दिन बीत चुका है और मेरियन ने कुछ भी नहीं खाया है, तो वो नॉर्मन को खाना लाने को कहती है। नॉर्मन केबिन से निकलकर खाना लेने जाता है। मेरियन अपना सूटकेस ओपन करके कुछ कपड़े निकालती है। तभी उसके मन में पैसों को छिपाने का ख्याल आता है। वो पैसों को न्यूज़पेपर में लपेटकर एक टेबल पर रख देती है। कोई भी नहीं सोच सकता कि एक मामूली से न्यूज़पेपर में $40,000 होंगे, ऐसा मेरियन को लगता है। तभी घर से नॉर्मन और उसकी मॉम की लड़ाई की आवाजें आती है, जिसे मेरियन सुन लेती है। ये लड़ाई मेरियन के खाने को लेकर हो रही थी। यहाँ पर मम्मी कहती है तुम उस स्ट्रेंज लड़की के साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हो, है ना? और नॉर्मन कहता है मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मन खाना लेकर आने लगता है। मेरियन उसे देख लेती है। मेरियन केबिन से बाहर आकर नॉर्मन को देखने लगती है। तभी वहाँ पर नॉर्मन आता है। ये दोनों ऑफिस में जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर मेरियन खाना खाती है, पर नॉर्मन नहीं खाता और वो मेरियन से कुछ बातें करने लगता है। और बातों बातों में ही नॉर्मन अपनी मोम की कहानी बताने लगता है। वो कहता है जब मैं 5 साल का था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और फिर मेरी मोम ने मेरा अकेला भरण पोषण किया। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरी मोम ने दूसरी शादी कर ली और उसी व्यक्ति ने इस मोटल को बनाया, पर वो व्यक्ति भी मर गया, जिसके कारण मेरी मोम को एक गहरा सदमा लगा और वो तब से कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। पर कुछ भी हो मैं अपनी मोम से बहुत प्यार करता हूँ। मेरियन ये सारी बातें सुनकर कहती है मैं आशा करती हूँ कि आपकी मोम जल्दी से ठीक हो जाए। वो नॉर्मन को खाने के लिए धन्यवाद कहती है और बदले में नॉर्मन उसे कहता है मिस। तभी मेरियन कहती है क्रेन। तभी नॉर्मन कहता है मिस क्रेन गुड नाइट। मेरियन वहाँ से चली जाती है। नॉर्मन रजिस्टर में मेरियन का नाम चेक करता है जिसमें लिखा था मेरियन सैमुअल्स। वे देखकर स्माइल करता है। तभी नॉर्मन अपने ऑफिस के छेद में से मेरियन को देखने लगता है। मेरियन अपने कपड़े चेंज कर रही है। मेरियन अपने कपड़े बदल लेती है। नॉर्मन ये देखकर ऑफिस से बाहर आकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो अपने घर में आता है और चेयर पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। इधर मेरियन बाथरूम में आकर शावर लेने की तैयारी करती है और यहाँ से स्टार्ट होता है इस मूवी का बेहतरीन सीन। मेरियन शावर ले रही है। वो खुद को अच्छी तरह से भिगाने लगती है। शावर से पानी के बूंदे उसके शरीर पर गिर रही है।
तभी कोई बाथरूम में इंटर होता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आता है। हम उसका धुंधला सा विजन देख पाते हैं। वो मेरियन के करीब आता है। सीन मेरियन से हटकर उस पर आता है। वो अचानक पर्दा हटाता है। उसके हाथों में चाकू है। ये देखकर मेरियन डर जाती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। वो स्ट्रेंज लेडी लगातार चाकू से मेरियन पर हमला करती है। मेरियन उस लेडी से बचने की कोशिश करती है, पर उस स्ट्रेंज लेडी के हमले लगातार जारी थे। वो लेडी वहां से भाग जाती है। मेरियन में अभी भी थोड़ी बहुत जान होती है। वो अपना हाथ शावर पर्दे की ओर ले जाती है। वो पर्दे को पकड़ती है। पर्दा टूटता है। मेरियन नीचे गिरती है। शावर से पानी टपक रहा है, जिसमें मेरियन का खून मिलकर बाथटब से सीवेज में जा रहा है। हमें सीवेज दिखाते हुए सीन मेरियन की आंख पर आता है, जो कि खुली है। कैमरा उससे दूर होता है। मेरियन मर चुकी है। फिर कैमरा बाथरूम से बाहर आकर पैसों पर कुछ पल रुककर घर पर आता है। हमें नॉर्मन की आवाज आती है, जो अपनी मोम पर चिल्ला रहा होता है। वो जल्दी घर से बाहर आता है। वो केबिन वन में आता है। उसे बाथरूम में मेरियन मरी हुई मिलती है। वे देखकर घबरा जाता है, और यहाँ से नॉर्मन बेथ्स अपनी मोम को बचाने की कोशिश में लग जाता है। वो केबिन की लाइट बंद करके केबिन से बाहर आता है। वो काफी घबराया हुआ है। वो ऑफिस में आकर ऑफिस की लाइट बंद करके पोंछा और बाल्टी लेकर मेरियन के केबिन में आता है। वो बाथरूम में आता है। नॉर्मन शावर बंद करता है। वो शावर वाली पॉलिथीन को बाथरूम के बाहर बिछा देता है, और फिर मेरियन की बॉडी को घसीटकर पॉलिथीन पर लाता है। नॉर्मन बाथरूम को पोंछे से साफ करने लगता है। वो बाथरूम को एकदम पहले जैसा साफ कर देता है, मानो वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। वो पोंछे को बाल्टी में रख देता है। फिर केबिन से बाहर आकर मेरियन की कार में बैठकर उसकी कार को केबिन के पास लाता है। आई थिंक सुबह हो चुकी है। नॉर्मन कार की डिक्की ओपन करता है। फिर नॉर्मन मेरियन की बॉडी को पॉलिथीन में लपेटकर और उसे उठाकर केबिन से बाहर लाकर डिक्की में रख देता है, और फिर वापिस से रूम में आकर मेरियन का सूटकेस और बाकी का सामान, यहाँ तक कि बाल्टी और पोंछा भी लेकर रूम की लाइट बंद करके केबिन से बाहर आता है। वे सारा सामान कार की डिक्की में रख देता है। वो एक बार फिर से रूम को चेक करने आता है। उसे न्यूज़पेपर दिखता है। वो न्यूज़पेपर को लेकर बाथरूम की लाइट बंद करके केबिन से बाहर आता है। वो न्यूज़पेपर यानी कि $40,000 को भी डिक्की में रख देता है, और मेरियन की कार को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन ने मेरियन की कार को दलदल में छिपा दी है। नॉर्मन के चेहरे पर एक हल्की सी अजीब सी स्माइल होती है।